कहना चाहता हूँ, ताड़ी स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह नहीं है, ताड़ी लाभदायक है, लेकिन वो नीरा होना चाहिए। पूर्व मंत्री रामसूरत राय के ऊपर तेजस्वी यादव कई आरोप लगा चुके हैं। जब बिहार में जहरीली शराब से 53 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, उसके बाद बीजेपी छपरा जा रही है, इस पूरे मामले पर न्याय दिलाने की बात कर रही है। बीजेपी सभी जगह जाती है, जाती रहेगी। और रामसूरत राय का परिवार और व्यापार दारू का नहीं है, न जीवन में कभी हमारे बाप दादा पिए हैं न खाए हैं। जिनके बाप दादा पीते थे, पी रहे हैं, उनसे पूछिए आप। तेजस्वी यादव तो लगातार आरोप लगा रहे थे। लगाने दीजिए ना, कुछ निकला क्या? वो तो अभी फोर्स थाना को खबर किए हैं, छापामारी करा लेना। थाना बेचैन है बोचहा में, बेल हुआ कि नहीं, फलना चीज हुआ कि नहीं, रामसूरत का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ताड़ी को लेकर क्या मानते हैं? ताड़ी खुलना चाहिए, किसानों के हित की बात है। किसानों का पौधा लगा हुआ है, 50 बरस से पौधा लगा हुआ है, और उस पौधे को उतारने का काम जो करते हैं कौन लोग करते हैं? वो किसान गरीब मजदूर करते हैं, ठीक ना? अगर ताड़ी बिकता तो साथ जहरीली शराब से लोगों की मौत नहीं। ताड़ी बिल्कुल बिल्कुल, अगर ताड़ी जो गरीब गुरबा समाज है, जो अशिक्षित समाज है, जो मजदूरी करते हैं, वैसे लोगों को अगर वो ताड़ी से थकान दूर हो जाता है तो जहरीली शराब के पीछे नहीं जाते। आज 40 रुपये गिलास में पी करके एक ट्रक वैशाली में ड्राइवर ने कितने लोगों को पीच दिया। तो दारू बंद कीजिए 100%, लेकिन नकली जो बन रहा है उस पर आप रोक लगा रहे हैं। वो नकली को रोक 100% लगाइए, मर्डर केस कीजिए, 302 का धारा कीजिए, लेकिन आप ताड़ी चालू करवाइए जिससे कि लोगों के हित में हो। आपने कहा कि ताड़ी पी के बिहार के एक नेता का गाल लाल हो गया था। हाँ, बहुत ज़्यादा।